हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसमें मैंने कुछ बिंदियां चिपकाई हैं। यहां एक रो में तीन बिंदियां चिपकाई गई हैं और ऐसी कुल दो रोज हैं, दो पंक्तियां हैं। इसे मैं यहां रखता हूं। यदि इसे ही हमें गणित के रूप में लिखना हो तो हम लिखेंगे तीन बिंदियां और दो पंक्तियां, यह मिलकर हमारे पास आ जाएगा छह। यदि इसी प्रकार की मैं चार और स्ट्रिप्स यहां लगाता हूं, प्रत्येक स्ट्रिप में पहले की तरह ही कुल तीन रोज और तीन बिंदियां और ऐसी ऐसी दो रोज हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास चार स्ट्रिप्स हैं। इनकी यदि बिंदियों की संख्या देखनी हो तो वो होगी तीन गुना दो छह और छह बारह और छह अठारह और चौबीस। इसे हम गणित रूप में कैसे लिखेंगे? प्रत्येक स्ट्रिप में तीन बिंदियां हैं और ऐसी दो रोज हैं और इस प्रकार की हमने कुल चार स्ट्रिप्स रखी हैं, यानी छह गुना चार अर्थात चौबीस। यानी इन बिंदियों को भी हमने गिनकर देखा है कि इन पर 24 बिंदियां चारों स्ट्रिप्स पर हैं। आइए अब इसे किसी और प्रकार से देखते हैं। मैंने एक और स्ट्रिप ली है जिस पर कि मेरे पास चार रोज हैं और प्रत्येक में तीन तीन बिंदियां हैं। इसे मैं यहां रखता हूं। अब यहां मेरे पास चार रोज हैं, प्रत्येक में तीन तीन बिंदियां हैं या चार बिंदियां हैं, उनकी तीन रोज हैं। इन्हें आपस में गुना करके हमारे पास आ गया बारह। ये देखिए एक दो तीन चार और चार आठ और चार बारह। और यदि ऐसी ही एक और स्ट्रिप मैं यहां रखता हूं बारह बिंदियों की, अब हमारे पास स्ट्रिप्स हो गई दो। यदि इसे मैं आपस में गुना कर दूं तो ये भी आएगा 24। आइए हम इसे बिंदियों को गिनकर एक बार देख लेते हैं। चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, चार बीस और चार चौबीस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि तीन बिंदियों की दो रोज रखकर और ऐसी ऐसी चार स्ट्रिप्स ली जाएं तो हमारे पास कुल बिंदियां आती हैं 24। और यदि चार बिंदियों की तीन रोज ली जाएं और ऐसी ऐसी दो स्ट्रिप्स ली जाएं तब भी हमारे पास कुल बिंदियां आती हैं 24। इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसी प्रकार से बिंदियों को अलग अलग प्रकार से यहां रखकर हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के और भी कई सारे उदाहरण सीख सकते हैं।